मुंबई के युवा वर्ग, हम सबके लाड़के नेता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जन कल्याणकारी जो कार्य लोगों के लिए ये पिछले 8 साल से सतत करते जा रहे हैं, उसका उत्सव मनाने के लिए आज हमने ये वॉकथॉन मुंबई के नरीमन पॉइंट से शुरुआत की है। लोगों के बीच जा जाकर ये 8 साल के उनके जितने भी काम है वो लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं। क्या लग रहा है कि भाजपा ने जो जनता से वादे किए थे, तो भाजपा ने चुना था और जनता ने भाजपा को चुना था, उन सब वादों के 8 सालों में, इन सब कामों में कमी कर पाए? उससे कहीं ज्यादा, मैं कहूंगा उससे कहीं ज्यादा कार्य मोदी जी ने किए। सिर्फ मोदी जी ने नहीं, जो टीम उन्होंने खड़ी की है पूरे देश भर में युवा मंत्रियों के साथ मिलकर, ये टीम देश भर में अच्छे कार्य कर रहे हैं, यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से। तो यहाँ जोरदार जितनी बारिश है, क्या बारिश में आप रुक नहीं पाएंगे? बारिश क्या, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना कभी रुकेगा ना कभी थकेगा, ये सबको पता है और ये उदाहरण आपके सामने आज दिया जा रहा है। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी नहीं रुकेंगे, ये उदाहरण आज आपके सामने दे रहे हैं। बड़ी बरसात के वजह से वो रास्ते पर है, हो सकता है कि किसी भी देर वो पहुंच जाए करके, बारिश के कारण थोड़ा उनको देरी हो गई है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने 3 सीटें जीत हासिल की और सभी पार्टियां पीछे चल रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये महाराष्ट्र की जनता को साबित हो गया है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी जैसे ना आज तक कोई नेता पैदा हुआ है ना कभी होगा, ये उदाहरण उन्होंने दिया है शिवसेना के मुंह पे तमाचा मारकर। इसका श्रेय पूरा और पूरा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को। आज आपका मैराथन कहां से शुरू किया गया? ये हम 1.5 किलोमीटर का वॉकथॉन नरीमन पॉइंट NCPA के सामने से लेकर जो आगे टर्न ओवर ब्रिज है वहां तक हम करने जा रहे हैं, और ये मैराथन के बीच में जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स हमें मिलेंगे उन्हें पैम्पलेट देकर, पैम्पलेट के माध्यम से जो 8 साल के जन कल्याणकारी कार्य है उसके बारे में जागरूकता हम फैलाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं मुंबई की जनता इस बार MCA चुनाव में, जोश को देखते हुए फिर क्या दिखाएंगे? जोश भी है, उत्साह भी है, और जो जीत मिली है उसके कारण युवा जबरदस्त उत्साहित है। कहा गया था अकेला देवेंद्र क्या करेगा, देवेंद्र ने कर दिखाया, अब युवा मोर्चा रास्ते पर BMC में करके दिखाएगी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी ने जे 8 वर्षांमध्ये जे कार्य केले आणि ज्या योजना अख्ख्या देशभर त्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजही तळागाळामध्ये या महाराष्ट्र सरकारमध्ये जे सरकार आहे त्या सरकारने, महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्या योजना कुठेतरी ग्राउंड लेवलपर्यंत पोहोचवलं नाही, त्या पोहोचवण्याचं काम हा युवा मोर्चा आज जागोजागी करत आहे। आणि त्या दृष्टिकोनाने हे 8 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे आज इथे या वॉकेथॉनचं आयोजन इथे मोठ्या संख्येने इथे केलेलं आहे। त्या संदर्भामध्ये आम्ही हे पॅम्पलेट्स वाटून, ज्या सर्व याच्या पॅम्पलेट्समध्ये सर्व प्रकारच्या योजना आहेत त्या योजनांची माहिती याच्यामध्ये आहे, प्रत्येक माणसापर्यंत या योजना पोहोचायला पाहिजे हे आमचं उद्दिष्ट आहे, आणि त्या दृष्टिकोनाने आम्ही इथे वॉकेथॉन करतो आहे।